मूंग दाल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। हम सबको मूंग की दाल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये हल्की भी होती है और इजी डाइजेस्टिक होती है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ इसी मूंग दाल से बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। और ये एक फेमस नाश्ता है हमारे घर में। तो ये नाश्ता हफ्ते में 2 दिन हमारे बच्चे बनवाना पसंद करते हैं। दाल हमने भिगा कर पानी निकाल कर रेडी कर लिए और हमने ये थोड़ी सी सब्जियां ली। आपके पास जो भी सब्जी हो, आप उन सब्जियों का इस्तेमाल इस नाश्ते को बनाने में यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो सब्जियां थी हमने वो ली है। शिमला मिर्च ली है, 2 मीडियम प्याज लिए हैं, 2 छोटे साइज की गाजर ली है, हरे मिर्च लिए, अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया है। और अब हम सबसे पहले मूंग की दाल में हींग डालेंगे। 1 चुटकी हींग डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा। फ्रेंड्स, खड़ा जीरा और हींग डालने से इस नाश्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप खड़ा जीरा जरूर डालिएगा। दाल को जार में ट्रांसफर कर देंगे। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इस दाल को बिना पानी के ही पीस कर रेडी करना है। पानी आप नहीं डालिएगा। अगर आपको नीड लगे तभी आप पानी यूज करिएगा। जार में हमने दाल सेट कर दी है, इसको रेडी कर देंगे। फ्रेंड्स, हमें दाल पीसने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे और फिर से इसको पीस कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारी दाल का पेस्ट बिल्कुल स्मूथ बनकर रेडी हुआ है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आपको इसी तरीके की दाल पीस कर रेडी करनी है। अब हम इसको, हमने ये बाउल लिया है, इसके अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। अभी हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया है। नमक हम बाद में ऐड करेंगे। नमक ऐड कर देने से क्या होता है कि जब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो उसमें फर्मेंटेशन जल्दी हो जाता है, इसलिए अभी हम इसके अंदर नमक यूज नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दाल हमने ट्रांसफर कर ली, इसको अब हम साइड में रखेंगे। और जो ये हमने सब्जियां ली हैं फ्रेंड्स, चॉपर का यूज हम आज नहीं करेंगे। हम इसी जार में पल्स मोड पर चलाते खोलते मिक्स को इसको पीस कर रेडी करेंगे। सब्जी हमने जार में ट्रांसफर कर दी। आप चॉपर में चाहें चॉपर में भी चॉप कर सकती हैं और कद्दूकस भी करके यूज कर सकती है। लेकिन आज हम आपके साथ इस तरीके से टिप्स भी शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से भी हम लोग अपने काम को कर सकते हैं। जरा सा चॉप करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां कितनी क्रंची सी हुई हैं। अब हम इसको भी इसके अंदर डालकर मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने सब्जियां जो क्रंची करी थी, दरदरी करी थी, उससे फ्रेंड्स एक फायदा है। और ये होता है कि हमारे यहाँ जो भी लोग जो सब्जी नहीं खाते, वो भी इस तरीके से जब हम यूज करेंगे तो वो लोग भी आराम से खा लेंगे, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। एक रीजन हमारा ये भी है इस तरीके से सब्जियां डालने का। इसको और हेल्दी बनाने के लिए हमने एक ये गाजर ली है और इसको भी हम मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। गाजर हमने कद्दूकस कर लिए इस तरीके से मोटे लच्छों में और अब हम वो गाजर को भी इसमें मिक्स कर देंगे। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा धनिया हम रोक लेंगे, इसको हम बाद में यूज करेंगे। और सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। देखिए, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे। मिक्स कर दी है। बैटर हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था। अब हम इसके अंदर टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने ये पैन चढ़ा दिया है। हम इसको नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं। आप लोहे के तवे में भी इस नाश्ते को बनाकर रेडी कर सकते हैं। और अब हमने देखिए बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाला है और इसको चारों तरफ फैला दिया है। और अब हम बैटर को
इसके अंदर सेट कर देंगे। ये बैटर हम बहुत मोटा नहीं फैलाएंगे। ये देखिए हम इस बैटर को ना बहुत मोटा ना बहुत पतला फैलाएंगे बराबर से। और लीड लगाकर मीडियम टू लो गैस पर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए नाश्ता हमारा ऊपर से हल्का हल्का सूख गया है। अब हम ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे और नाश्ते में भी नीचे की तरफ थोड़ा ऑयल लगा देंगे। ये देखिए अभी इसको हम इसी तरीके से फिर से ढक देंगे। और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरीके की डेली नई नई और आसान रेसिपी लाते रहते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता ऊपर से बिल्कुल सिक गया। अब हम इसको दूसरी तरफ सिकने के लिए पलट देंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता कितना टेम्पटिंग लग रहा है। फ्रेंड्स जब तक हमारा नाश्ता सिक रहा है हम इसके ऊपर थोड़ी सी ये चीज स्प्रेड डालेंगे। फ्रेंड्स यकीन मानिए आप एक बार इस नाश्ते को बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। आपके के घर में सबको बहुत पसंद देने वाला है। ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी होता है। सबसे बड़ी बात ये कि ये हेल्दी भी है और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। ये देखिए हमने इसके ऊपर चीज स्प्रेड कर दी है। ऊपर से हमने देखिए थोड़ा सा हरा धनिया भी हमने स्प्रंकल कर दिया है। फ्रेंड्स हम आपको फिर से याद दिला दें कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो नीचे एक लाइक का बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी बनाई रेसिपी कैसी लगती है और आप हमारा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे।